सो गाइज M30s एंड M50s के बाद सैमसंग अब लेके आने वाला है अपना नया A70s। तो चलिए देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हमें फोन में देखने को मिलेंगे और क्या होगी उसकी प्राइस। सो गाइज, जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है A70s का, वो होने वाला है उसका न्यू 64 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि एक सेटअप होगा ट्रिपल कैमरा का, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो आने वाला A70s है, तो गाइज उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा जो प्रिज्मेटिक लुक में देखने को मिलेगा बैक में, 3D प्रिज्म पैटर्न, जो हमने गैलेक्सी A50s में भी देखा है उसके जैसा ही होगा। एंड गाइस, जो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा फ़ोन, वो एग्जैक्टली सेम ही होगा A50s जैसा ही, बट उसमें एक इन्फिनिटी यूनोस डिज़ाइन होगा। एंड गाइस, जो A70s होगा उसमें एक ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है प्राइमरी कैमरा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल आइसोसेल ब्राइट GW1 सेंसर, जो कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो और रियलमी XT में भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज, जो बाकी दो सेंसर्स हैं वो होने वाले हैं, एक होने वाला है अल्ट्रा वाइड लेंस और एक होने वाला है डेप्थ सेंसर, और इस फोन में आपको गाइज 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलने वाली है। एंड गाइज, यही नहीं, ये फ़ोन एक डिस्प्ले में मॉन्स्टर होने वाला है। गाइज, पिछले जो फ़ोन आए M30 एंड M50s, वो बैटरी में मॉन्स्टर थे, बट ये अपकमिंग फ़ोन डिस्प्ले में मॉन्स्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.7 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। गाइज, इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर और एंड्रॉयड 9 देखने को मिलेगा, जो कि वन UI पे बेस्ड होगा। एंड गाइज, इस फ़ोन में आपको यही नहीं, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 25W फास्ट चार्जिंग। अब गाइज, M30 और M50s के कंपैरिजन में, जिनके पास 6000 mAh की बैटरी थी, उसके कंपैरिजन में इसकी बैटरी छोटी है, बट सैमसंग ने कैमरे पे और बाकी डिस्प्ले पे बहुत ध्यान दिया है इस फ़ोन के रिगार्डिंग। तो गाइज, अब सैमसंग ने अभी तक लॉन्च डेट 70s की नहीं करी है अनाउंस, बट ये रूमर्स हैं कि सैमसंग का अगले महीने में हमें इस फ़ोन के बारे में कुछ रिवील होगा ही, जो सैमसंग की तरफ से रिवीलिंग होगी इस फ़ोन के बारे में, और एक्सपेक्टेड है गाइज के अगले महीने, नहीं तो उससे अगले महीने तो ये फ़ोन लॉन्च हो ही जाएगा। अब गाइज, अगर मेन पॉइंट प्राइस की बात करें कि आपको इंडिया में किस प्राइस पे देखने को मिल जाएगा, तो गाइज आपको इंडिया में A70s 30,000 to 35,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज पिछला जो फ़ोन था सैमसंग का A50s, वो आपको 27 or 28 के अराउंड देखने को मिला था, तो इस फ़ोन की भी प्रोबेबिलिटी है कि ये 30,000 to 35,000 के बीच में बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़, ये थी कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स अपकमिंग A70s के, और मैंने प्राइस भी बताई इस वीडियो में। अगर गाइज ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।